लिवर एक अविश्वसनीय है, ये वास्तव में एक चोट के बाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यह विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों के प्रति भी संवेदनशील है, जैसे कि वायरल संक्रमण, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी, जो लंबे समय तक जिगर की क्षति का कारण बन सकते हैं। यह कृत अवशिष्ट उत्पादों को हटाकर शरीर को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से अवशिष्ट उत्पाद अमोनिया को तोड़कर यकृत यूरिया उत्पन्न करता है। फिर यूरिया को गुर्दे द्वारा रक्त से फिल्टर किया जाता है और मूत्र में उत्सर्जित किया जाता है। यकृत बिलीरुबिन भी उत्सर्जित करता है, एक अवशिष्ट उत्पाद जो हीमोग्लोबिन के टूटने के परिणाम स्वरूप होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन तो आइए मिलते हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध किंग्सवे हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रकाश जैन से हमारे इस खास प्रोग्राम में कि देखा गया कि आज की जो लाइफस्टाइल जो चल रही है पर्टिकुलरली, उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का इफेक्ट लीवर पर कितना होता है, ओबेसिटी भी एक मेन रीजन है, तो उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को आप बताइए। एक्चुअली लीवर के जो प्रॉब्लम्स अभी बढ़ रहे हैं, ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल्स के इफेक्ट रहता है। शुगर के पेशेंट्स को ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है लीवर में, तो वो एक कारण है जो इंक्रीज होने वाला है अगले 10-15 साल में। जैसे इंडिया में डायबिटीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, तो उसके वजह से उसके ऊपर आप देख लीजिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का भी इफेक्ट्स रहते हैं। हेपेटाइटिस सी और भी खतरनाक रहता है, बिकॉज उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होता है, बट आजकल उसका पूरा मेडिकल इलाज भी होता है अगर बराबर समय पे डायग्नोस होता है। हेपेटाइटिस बी यूजुअली मदर टू चाइल्ड रहता है, लेकिन अपना गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन प्रोग्राम और ये सबसे हेपेटाइटिस बी मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। प्रीवियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता था, अभी आजकल नाको वगैरह टेस्टिंग रहते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अच्छे से हो गया है, तो ट्रांसमिशन भी ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। फिर भी अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है सेक्स वर्कर्स के साथ, इसके कारण होता है, हस्बैंड टू वाइफ भी हो सकता है, कभी कभी हेल्थ वर्कर्स में भी होते हैं, क्योंकि अनडायग्नोज पेशेंट में अगर नीडल से प्रिक हो गया उंगली पे वैसे होता है। तो अराउंड 20% लोगों को कुछ लॉन्ग टर्म लीवर में इफेक्ट्स रहता है, और उसमें से स्मॉल परसेंटेज जो लोग रहते हैं उनमें फिर लीवर फेलियर, लीवर जो साइज रहता है वो श्रिंक हो जाता है। और जैसे आपको मालूम रहेगा कि अल्टीमेटली सब लीवर डिजीज जो रहते हैं अगर क्रॉनिक रहते हैं, यानी कुछ समय के लिए रहते हैं, तो लीवर धीरे धीरे श्रिंक होता है, छोटा हो जाता है, उसमें फिर पानी निकलता है पेट में, पैरों में, और धीरे धीरे पीलिया फिर आती है, फिर वो एंड स्टेज लीवर डिजीज जो है उसको बोला जाता है। सर आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट है जिनमें लीवर में जो पीलिया होता है या एंजाइम जो है तो कम ज़्यादा होती है, उसकी भी समस्या काफ़ी निर्माण हो रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? राइट, एक्चुअली अगर आप देखेंगे दो प्रकार के हैं, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आप देखेंगे, अक्यूट जो बोलते हैं यानी सडनली जो आ जाती है, और क्रॉनिक है जो कई महीनों कई सालों से चालू रहता है। तो जो लोग दारू पीते हैं ज़्यादा, जिनका क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जो हम बोलते हैं, वो कई सालों यानी 5-7 साल कभी कभी उनका प्रॉब्लम्स रहते हैं। अक्यूट जो है यानी सडनली जो होते हैं वो अलग है, वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से यूजुअली होता है। तो वो हमारे खाने पीने में ये सब उसमें से जहाँ पे कंटेमिनेशन रहता है उसमें से आता है, और यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है उसमें। लेकिन कोई अनफॉर्चुनेट लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है जो अक्यूट लीवर फेलियर में चले जाते हैं, यानी सडनली वो लीवर ख़राब हो जाता है और उनका एंजाइम्स फिर हज़ारों में चला जाता है और वो सडनली बीमार होकर चले जाते हैं। तो उनके लिए अलग सेट ऑफ ट्रीटमेंट रहते हैं, इमरजेंसी लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी लीवर आईसीयू में डालकर उनको मेंटेन करना पड़ता है 10 दिन, और वो धीरे धीरे कभी कभी लीवर वापस आ जाते हैं। मुझे ये कहना है कि अगर लीवर सडनली ख़राब हो रहा है तो आप बराबर सेंटर में जाके इलाज करा लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट और बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम रहता है, हर जन के पास उतना जानकारी नहीं है और पेशेंट के लिए ज़्यादा समय नहीं रहता। सर पर्टिकुलर ये भी देखा कि जो कैडेवर जो पेशेंट होते हैं जो ब्रेन डेड होते हैं, जिन्हें लीवर डोनेट करना पड़ता, तो ये प्रोसेस एक्चुअली होती क्या है, उस बारे में बताइए। तो एक्चुअली आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे हमारा सोसाइटी एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लगते, पहले क्या लोग अपने बारे में ही सोचते पहले, तो आजकल वो धीरे धीरे वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप देखेंगे मुंबई पुणे में डोनेशन रेट्स अच्छे से बढ़ रहे हैं, तमिलनाडु में अच्छे से बढ़े हुए हैं पहले से। तो ये सोसाइटी का मेच्योरिटी के अनुसार होता है, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी लोग समझ रहे हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अगर कोई मुश्किल समय जैसे यूजली एक्सीडेंट की वजह से होता है या सडनली स्ट्रोक होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग रहता है और वो पेशेंट का ब्रेन फंक्शन चला जाता है, तो मेडिकल साइंस के अनुसार उन पेशेंट को बोलते हैं ब्रेन डेड, क्योंकि जितना भी उनके शरीर चलता रहा, हार्ट चलता रहा, गुर्दा चलता रहा, लंग्स चलते रहे, लेकिन अगर ब्रेन वापस नहीं आएगा तो सिर्फ वो एक बॉडी जो है पड़ा हुआ है और मशीन के द्वारा वो जिंदा है,
उस स्थिति में कुछ कुछ स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से बताया गया है कि आपको ये टेस्ट करके, सिर्फ ये टेस्ट अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो उसके अनुसार आप बोल सकते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, तो तब भी वो पेशेंट के ऑर्गन्स आप डोनेट करा सकते हैं। उसमें भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहते हैं, यूजुअली फिट डोनर चाहिए जिसका ऑलरेडी मेडिकल इश्यूज नहीं है, जिनका कैंसर नहीं है, जिनका दूसरे जो पुरानी बीमारियां हैं, अगर डोनेशन करेंगे उस डोनेटेड ऑर्गन्स पे असर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वैसे वाले पेशेंट डोनेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही मुश्किल है जब एट अ टाइम सडनली हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे फैमिली ऑलरेडी शॉक लगता है उनको कि सडनली उनके लव्ड वंस को ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो बेटर है पहले से अगर जैसे ऑर्गन डोनेशन के जो सेंटर्स रहते हैं आज आप जाके अपना पहले से साइन करके बोल सकते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं ऑलरेडी मैंने फैसला तैयार किया है कि मैं ऑर्गन डोनेट करने के लिए पहले से तैयार हूँ। तो अगर वैसा है तो इमीडिएट फैमिली को उस समय ये एडिशनल ट्रॉमा, ये एडिशनल डिफ़िकल्ट चीज़ जो है, डिफ़िकल्ट फैसला लेना, उस समय ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर प्रकाश जैन, आप हमारे विदर्भ और इंटरस्टेट के व्यूअर्स को ये भी बताइए कि जो पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया है कि जो स्ट्रॉइड जिन्होंने लिया था पहले, तो उनके जो इंटेस्टाइन में थ्रोम्बोसिस के वजह से भी ब्लॉकेड आ जाता है, तो उसका इफेक्ट लीवर पे कितना, तो उस बारे में बताइए। तो एक्चुअली अच्छा अच्छी बात यह है लीवर के कि उसका ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, एक तो आर्टरी का सप्लाई होता है जो हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, यानी लीवर का अराउंड 30-40% ब्लड सप्लाई वहाँ से आती है, और पोर्टल वेन जो बोलते हैं जो पूरा अंतड़ी का ड्रेनेज वहाँ पे लीवर में जाता है। तो जितना भी आप थ्रोम्बोसिस वगैरह जो बता रहे हैं, यस अक्यूट कोविड में सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लॉन्ग टर्म कोविड में भी हो सकता है कि कुछ कुछ ब्लड वेसल्स और सब नाजुक हो रहे हैं, बट जनरली लीवर पे उतना असर नहीं होता है अभी एटलीस्ट फिलहाल जो हमने देखा है। गॉल ब्लैडर पे यस, कुछ कुछ लोगों को गॉल ब्लैडर सड़ जाता है क्योंकि सडनली वो ब्लॉक हो जाता है, बट जितने भी हमारे प्रैक्टिस में देखे हैं लीवर का कोविड का असर ब्लॉकेज की वजह से उतना खास नहीं है। सर ये भी देखा है कि जो डोनेट करता है लीवर पर्टिकुलरली, तो वो जो पार्ट होता है फिर से रीजेनरेशन होता है, उस बारे में बताइए। तो आप जो पूछ रहे हैं एक्चुअली लिविंग डोनर के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे हमारे इंडिया में आजू बाजू कंट्रीज़ में आप देखेंगे कोरिया में, जापान में, चाइना, ताइवान वगैरह में हमको डोनेट करना, कुछ रिलीजियस रीजंस रहते हैं नहीं कर सकते, कुछ सोशल रीजंस रहते हैं नहीं कर सकते डेथ होने के बाद, यानी ब्रेन डेड होने के बाद। तो ये लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन, ये सब शॉर्टेज ऑफ लिवर ऑर्गन्स के लिए ये तैयार किया गया है। अभी ऑलमोस्ट 30-35 साल हो गए फर्स्ट लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन जो किया गया था, जो अच्छे से हुआ था, और अभी ये एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट हो गया है। और इंडिया में करीब 1500 ट्रांसप्लांट्स टोटली साल में होते हैं, उसमें से 70-80% लिविंग डोनर रहते हैं। लीवर का यही खूबियत है कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे ब्लड सप्लाई और ग्रोथ के अनुसार, वो जो जन्म दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनका 70-80% दो हफ्ते में आता है, और जिनको मिल रहा है उनका भी 70-80% वापस आ जाता है। तो मदर अपने चाइल्ड को डोनेट कर सकते हैं, ब्रदर अपने फादर या मदर को डोनेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो रहते हैं अगर लिविंग डोनर है, और डोनर अगर फिट है, बाकी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लिविंग डोनर हमारे पॉपुलेशन के लिए जो लिवर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, जिनका कैडावर नहीं मिल रहा है, तो ये एक्चुअली बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही आजकल बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट मोडालिटी हो चुका है। सर मैं फिर से एक बार लीवर डिजीज के ऊपर में आऊँगा। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी जनरेशन में फिलहाल में जो अल्कोहल इंटेक जो है ये एक यूनिवर्सली उसको ड्रिंक माना गया है और लोग ले रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या है ये कोई नहीं जानता। सबको पता है कि लीवर खराब होता है, लेकिन लीवर खराब किस तरह होता है, उसके जो स्टेजेस हैं, एक नॉर्मल लीवर से लेके फैटी लीवर से लेके लीवर सोरायसिस, लीवर एक्सिस तक के, मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में बताएं। राइट, एक्चुअली हर कोई जो ये सब करते हैं, सोशल बोलेंगे, नहीं तो पीयर प्रेशर बोलेंगे, नहीं तो शॉक बोलेंगे, तो एक बार शुरू होती है तो फिर उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल है। मेरा ये विनती है कि पहले शुरू ही मत करिए, एक बार शुरू करते हैं तो फिर उसको बंद करना मुश्किल होता है। और क्या हमारे कल्चर में ड्रिंकिंग कल्चर नहीं है, जैसे आप अगर यूरोप जाएंगे या यूएस जाएंगे, लोग एक दो बियर के बाद बंद करके घर चले जाते हैं, तो वो ओवर ड्रिंकिंग नहीं होती है। हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में, लोग पी के जब तक ज़मीन पे नहीं गिरेंगे तब तक बंद नहीं करेंगे, तो यही प्रॉब्लम होती है कि वो ओवरडोज हो जाता है। और दूसरी बात है कि लीकर का क्वालिटी भी अलग है, जो इंडस्ट्रियली बना जाता है दैट इज़ मोर हार्मफुल, जो छोटे छोटे
इलाकों में बन रहा है, जो इलीगल अल्कोहल जो बोलते हैं, हुच जो बोलते हैं, वो भी और भी ख़राब है, उसमें एडिटिव्स बहुत है, केमिकल्स बहुत है, तो वो भी एक्स्ट्रा लोड लीवर पे आती है। तो बेसिकली क्या होता है, एक बार आप इतना दारू पीने लगे कि वो आदत हो जाती है, 180 ml, 250 ml रात, हर रात अगर पी रहे, तो ये स्लो मोशन सुइसाइड है। आप धीरे 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 अपने आप को मार रहे हैं और साथ में फिर परिवार को भी साथ में ले जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, लीवर बोलेगा ठीक है इतना हम मैनेज कर सकते हैं, फिर आदमी और पिएगा क्योंकि उसका नशे का नहीं आ रहा है, और पीते जा रहा है और पीते जा रहे हैं, उसके साथ फिर कुछ दूसरे दवाई फिर साथ में ले जाते हैं, तो धीरे धीरे लीवर सूजन होती है। एक बार वो सूज जाता है फिर बोलता भाई इससे ज़्यादा हमसे नहीं हो रहा है, और वो श्रिंक हो जाती है। जब श्रिंक हो जाती है तो कुछ भाग बोलेगा नहीं वापस लीवर का काम होना चाहिए, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहता है, यानी एक भाग बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा हो जाता है, तो इसमें से फिर कैंसर बनने का भी चांसेस आ जाते हैं, और ये कई महीनों कई सालों से धीरे 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 चलेगा, और जब 80% ख़राब हो गया तब भी प्रॉब्लम्स सामने आएंगे, तब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, अभी क्या हो गया, तब आप देखेंगे कि 70-80% लीवर डैमेज हो गया, फिर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-7 ईयर्स या 8-9 ईयर्स ही है एक बार सिरोसिस डायग्नोज हो गया, यानी आपके पास आपके घड़ी में उतना ही समय बाकी है। तो उस स्थिति में पहुंचने के बावजूद बेटर है पहले से मत शुरू करें। लीकर इंटेक करने वाले बहुत से ज्ञानी गुरु ऐसा भी कहा करते हैं कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि लीकर इंटेक करना चाहिए शरीर के लिए अच्छा होता है, क्या बोलते? तो बेसिकली ये सब मीडिया के कुछ जो रिपोर्ट्स आते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं। छोटा सा अगर वाइन पी रहे हैं, अभी आप देखेंगे फ्रांस में कल्चरल है कि वाइन पियेंगे, बट उसका अल्कोहल कंटेंट बहुत ही लो है, 3-4% से ज़्यादा नहीं रहेगा। 3-4% आप देखेंगे तो दैट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, और वो क्या है उनका 100-150 ml से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो दैट इज़ कल्चरल, लोग यूज्ड टू है, उनका लाइफस्टाइल एक्टिव है, उनका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म वो अलग है, तो वो सब अगर हम ऐसे अपने आप ले लेंगे, वो ये भी समझना है कि कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है और किसके बारे में बोल रहा है। आई थिंक हमारे लोग के लिए बेटर है कि अगर अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। सर ऐसे भी पेशेंट देखे गए हैं जिनमें एंथुजियम भी है, कन्फ्यूजन भी है कि जिन्हें लीवर सिरोसिस हो चुका है, उसका पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट होता है किस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, किस तरह मॉडर्न इक्विपमेंट है, किस तरह की फैसिलिटीज अपने यहाँ अवेलेबल है, उस संदर्भ में आप बताइए। सी लीवर जो है बहुत सालों से लोगों को ये समझ में नहीं आया कि इसका काम कितना है या नहीं है। लास्ट 50 ईयर्स में लीवर डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत ही आगे बढ़ चुका है। एक बार ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया था 1960s में डॉक्टर थॉमस स्टार्जल के द्वारा, तो उस समय तक लोगों को ये यकीन था कि डेफिनेटली लीवर का कोई भी इलाज नहीं कर सकता। 80s तक लोग भी सोच रहे थे कि लीवर पे ऑपरेट करना मामूली बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर मुझे लीवर रिसेट करना पड़ा, यानी अगर ट्यूमर आ गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इक्विपमेंट उसके लिए ज़रूरत होती है, मशीन जो रहते हैं जो लीवर काटते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत होती है, पित्त के रास्ते बहुत ही नाजुक रहते हैं, 1 mm, 2 mm उनको बंद करना पड़ता है। तो लीवर का अगर इलाज करना है आपको डेडिकेटेड सेंटर का ज़रूरत है एडवांस लीवर डिजीज़ में। छोटे मोटे अगर जॉन्डिस है, इन्फेक्टेड है, वो आपके लोकल प्रैक्टिशनर्स, लोकल फिजिशियंस ये सब मैनेज कर सकते हैं, बट लीवर फेलियर, अक्यूट लीवर फेलियर, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जिनके पास ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ट्रांसप्लांट अगर होने वाला है, अगर लीवर पे ऑपरेट करना है, ये सिर्फ जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, जहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे ढेर सारे इंटेंसिव केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस है लीवर में, वहीं पे ही हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल होता है। सर आप एक रिनाउड लीवर सर्जन हो, सर ट्रांसप्लांट सर्जन, यदि हमारे दर्शकों को किसी प्रकार क्वेरीज है कि व्यूअर्स की क्वेरीज है, तो पर्टिकुलर उन्होंने आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करना चाहिए उस बारे में बताइए। राइट, मेरा एक्चुअली फ़ोन नंबर मेरे कार्ड से मैं आपको दे दूंगा बाद में, फिर या ईमेल से भेज सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी बहुत ही आसान है, dr यानी डॉक्टर drprakashjain@gmail.com आप भेज सकते हैं, मैं बहुत हैप्पीली मैं जो भी है मैं रिप्लाई कर दूंगा। और तो कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह आपको? हाँ, तो मैं एक्चुअली किंग्सवे हॉस्पिटल्स में हूँ, वहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करा सकते हैं प्री बुक करके, नो प्रॉब्लम कभी। थैंक यू।